प्यारा सा हमारा गेट बनी है जो कि देख रहे हैं आप लोग। ये गेट स्पेशल हमारी मेरी दीदी दोनों की पार्टी के लिए बनी है। अभी लाइट वगैरह ऑन नहीं हुआ, लाइट भी ऑन हो जाएगी तो और खूबसूरत सा लगने लगा। ये देखिए ये लाइट से भी अभी ऑन नहीं हुआ, आते टाइम लाइट ऑन हो जाएगी तभी आते टाइम देखते हैं। और गाड़ी अभी खड़ी है जिसमें अभी दीदी को लेने जाने वाले हैं हम लोग, और यही गाड़ी है जिसमें अभी चढ़ के हम लोग निकलने वाले हैं। जा रही दीदी को लाने के लिए, अंदर में इतना रोने टाइप का फील हो रहा है ना, क्या बोले। दीदी को एक बार कॉल नहीं कर पाए शादी के बाद, सुबह तो इतना बिजी में समझ में ना कि इधर क्या मैनेज करूं, और ये गाड़ी लग रही इतना धीरे धीरे चल रहा है कि समझ में ना क्या करूं। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए धनबाद, यहीं आमने सामने कहीं का होटल है जहाँ गेट है ना, वही रुके हुए दीदी लोग। गेट से धीरे धीरे उठते हुए देखते कितना नंबर है, लेके आए इधर। अच्छा 201 ये रहा। दीदी ठहरी हुई दीदी, हाँ फाइनली बाप। अनुष्का कितनी मजे से सो रही है, अरे बाबा अरे बाबा। कहाँ देख रहे हो जी? ये वाला वही वाला ब्लॉग देख रहे हो? अभी देख रहे हो आप? पहले नहीं देखे थे हैं? अरे रो रहे थे क्या आप हैं? मम्मी रो रही थी क्या? नहीं लग गया इसको, वाला रूम में कभी था। और जीजा जी लोग सब लोग कहाँ? सब रेडी हो रहे हैं लोग? सब रेडी हो? ये भगवान, यही वाला होटल है जहाँ पर सभी रुके हुए थे। रूम सही था, सही तो था, बस से एक बार भी तुमको हम कॉल नहीं कर पाए उसके लिए सॉरी। इतना बिजी पता है, मतलब माथा मेरा खराब हो गया। अभी फुर्सत मिला नहाए, अभी कुछ उधर कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रही है, सब कुछ सही करने के लिए हम कुछ खाना खाए ना सुबह से। बस तो अभी खाया कि नहीं? वही थोड़ा मुड़ी खाए थे बस। यहाँ पर लड्डू? नहीं नहीं छोड़ दो, अभी नहीं छोड़ दो, अब घर पे जाओ। और इधर से हमारे जीजा जी भी रेडी हो चुके हैं, रेडी हो चुके। चलिए बढ़िया, अब सब ये सभी कर लिया है क्या? मतलब पैकअप कर लिया? पैकअप कर रहे हैं, चलो सुबह से रेडी है। सुबह से सॉरी मेरा ही लेट हुआ उसके लिए। और आप लोग तो देखे ब्लॉग पे कितना मैं रेडी, मतलब ये था बिजी सुबह से, एक से दूसरा काम, दूसरा तीसरा काम, और अभी जाके फिर भी अभी घर में जाके सब परेशान हो गए हम। नहीं है घर नहीं है मेरा, वहाँ पेयर फल रहा आज। देखो मनुष्का की फ्रेंड मिल चुकी है, क्या नाम है आपका बाबू? क्या नाम है? अरे वाह, चलो सभी अभी निकल रहे हैं। और ये है हमारे जीजा जी की सिस्टर, और इनके जीजा जी के जीजा जी वो किधर है? हेलो, शायद वो नीचे तरफ निकल गए हैं ना। फ्रेंड वाह वाह, चलो आ जा बैठ जा, अंदर बैठ जा सब। और चलते चलते हमारे बाबू आधे उल्टी कर ली, दीदी कपड़ा गंदा हो गया। फाइनली हम लोग अपना घर पहुंच गए, चलो चलो। तो हमारी प्यारी दुल्हनिया रेडी हो चुकी है, चलो अब निकलो, तब से इतना लेट किया तुम लोग। अरे आ रहे मार देंगे इतना ज्यादा। हम भी उस भीड़ का हिस्सा है, थोड़ा थोड़ा से भाई। ये इतना ज्यादा भीड़, लगा हुआ इतना साउंड कि कौन का किधर जा रहा है, बैठ रहे हैं इधर दीदी बैठी जीजा जी और यहाँ पे अंजलि, सब हालत खराब है, इतना भीड़ पे कंट्रोल करना मुश्किल। और ये वाला आगे में भीड़ देख रहे, पानी पूरी का है और कॉफी का, और आगे तरफ डीजे का, एक ही जगह में इतना एडजस्ट हो गया था ना। और इधर भीड़ इतना ज्यादा हो गया, सभी को बैठाना मुश्किल था, इतना ज्यादा मतलब ओवर कंट्रोल के ऊपर था। और इधर जितने भी खाना जितने भी खाना वगैरह है इधर स्टॉक करके रखा गया। अभी आइसक्रीम के लिए मैं आया था लेकिन किधर रखा हमें मिल ही नहीं रहा। खा लो भूखे कितना रहेगा, इतना भूखे। Thank you.
और लास्ट में अपनी दुल्हनियों को लेके स्टेज में चला यार, गाना चलते चलते गाना बंद हो गया। मेरी कावर है गाना तो बजा दो। और फिर हम लोग गाना में डांस करने लगे क्योंकि तुम ही वाला सॉन्ग में, और बहुत ही प्यारा ये मोमेंट था जब हम लोग साथ में डांस किए इतने लोगों के बीच में, ना डर ना कुछ, क्योंकि एक डांसर के लिए लोग देख के ही उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। और ये टाइम ऐसी थी सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, सभी के सभी लोग, और सभी बहुत लोग वीडियो भी बनाए होंगे, क्लिप भी वायरल होगी हमको लग रहा है, सो आप लोग भी देखे होंगे। मेरी ब्लॉग थोड़ा सा लेट से आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार का मज़ा लीजिए आप लोग। और बहुत ही अच्छा मोमेंट था। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कॉफ़ी पी लिया, बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लास्ट में कॉफ़ी पी, दीदी के वहाँ पर सिर्फ एक लड्डू खाया था और कुछ नहीं। इधर दीदी भी इंजॉय करी, मेरी वाइफ भी फुल के इंजॉय की। उसके बाद मेरी दीदी को भी ले गए, बोले थोड़ा सा चलो दीदी को भी डांस करवा लेते, कितना बैठे रह गए यार। तो ये फिर आ गए दीदी को भी लेके। और एक मोमेंट ऐसी आई जब दोनों, हम दोनों भाई बहन रोने लगे, ये प्यार हमारा अमर रहेगा वाला सॉन्ग, क्योंकि ये हमारे हर्ट बीट पे बैठी हुई है, कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें वायरल करने में बहुत ज़्यादा बड़ा ये हाथ रहा ये गाना, और दोनों के साथ मिलती है, और ये समय हम कभी नहीं भूलेंगे। ये डांस वाला हमारे सब वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन ये वाला वीडियो कभी ना डिलीट हो, भगवान कभी कुछ दिक्कत ना हो, बस आप लोग प्यार बरसाइए और क्या बोले। उधर होने के बाद हम लोग आगे खाना खाने के लिए, यहाँ पत्री वत्री सबको दिया गया, प्लास्टिक वाला लगाए थे हम लोग, नहीं छोड़ के हम लोग कागज़ वाला पत्री लिए थे, बोले चलो मिल जाएगा, ये प्लास्टिक वाला इधर उधर उड़ते रहता ना इसी कारण। खाने के बाद आगे कॉफ़ी खा रहे हम लोग, बोले चलो ये बोले कि हम खाएंगे, हम चलो तुम भी खाओ, अरे हाँ हम भी खा लिए उसके साथ। तो शादी तो पार हो गया, लास्ट में हमारा दीदी काम देखिए, ग्लास व्लास जो बच गया है लोग भर के हम लोग रख दे, क्योंकि सब काम देगा फिर, क्योंकि बेकार जाना वो तो सही नहीं है। दीदी का पूरा टेंशन हो गया क्योंकि शादी वादी सब पार हो गया, और लास्ट में इतना सारा कचड़ा जम गया है, मतलब थाली वगैरह बर्तन वगैरह सब धोना पड़ेगा, और इसीलिए बोले कौन धोएगा इतना, करना तो हम लोग ही पड़ेगा। शादी के बाद अभी देख सकते हो पार्टी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हो गया, देख सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि बोला जाता है ना कि यदि अपने में सब्र ना हो तो दूसरा क्या करेगा। लास्ट में क्या हुआ, हमारे साथ ही खाना लास्ट में खत्म हो गई, बट हमें जो मिला हम खा लिए खुश है, सब्जी वगैरह चावल सब खत्म हो गया था, थोड़ी बहुत जो मिली थी वही हम लोग खा लिए, थोड़ी भूख प्यासे वैसे बोले छोड़ो, जो आए थे वो तो खा के गए और क्या चाहिए, खाए या ना खाए हम लोग भूखे रहे सही है, लेकिन हमारे घर से जो आए हैं वो लोग भूखे ना जाए। अभी देखी सकते प्यारा सा हमारा डेकोरेटर इस तरह से हुआ था, अभी कचड़ा वगैरह हो गया, अभी कुछ कुछ चटनी वगैरह सब खराब हो गया थी, या वो सब खाया गया तो ले लो ले चलो, वो सब बादाम है हाँ। ये बाल्टी सब है ना पानी फेंक दीजिए, और डग सब मग वग क्या क्या है ये सब भी एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, और जीजाजी लोग को यहीं पे लगा के सोने के लिए बोल दो। और गाइस जानते हैं घर में भी बहुत सारा सामान है, इधर उधर कुछ चोरी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं घर पे रहूंगा, जो कि यहाँ पर सोएंगे भी सोएगी का ना मौज छोड़ कर हल्के जीजाजी लोग रह जाएंगे। ऐसी होती है जब पूरा खत्म हो जाता है तब का कुछ ऐसे सीन होती है, जीजाजी लोग काम कर रहे हैं, इतना आधी दीदी ऐसे घूम रही है लग रहा है झोला उठा के इसको निकाल दिया, साउंड वगैरह भी है सबको खोल खाल के रख देते, और इतना बड़ा बैग लेके सोचिएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, दीदी बोल रही जागी बोल रहे नहीं रुकेंगे, रात को वो लोग निकल रही थी होटल जहाँ से रुकी थी, वो लोग गाड़ी रिजर्व कर दिए थे, बोल रहे सुबह ट्रेन है तो इसीलिए बोल रहे हम लोग वहाँ फ्रेश हो लेंगे फिर निकल जाएंगे। और ये वाला क्षण इतना मोमेंट मेरे लिए था, क्या बोले अभी तक कोई भी ब्लॉगर लास्ट वाला सीन नहीं दिखाता है कि पार्टी के बाद क्या होता है।